नमस्कार दोस्तों, मैं नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई फाइल आपके पास डिलीट हो गया दोस्तों, या फॉर्मेट हो गया है, या आपके पास पेन ड्राइव में कोई डाटा था उसको हो गया आपका डिलीट, या एमएस वर्ड में, एक्सेल में, या फोटो है, वीडियोज है, या किसी प्रकार का फाइल है आपको हो गया है, डिलीट हो गया, यानी कंप्यूटर से हो गया है डिलीट, तो उसको आप रिकवरिंग कर सकते हैं दोस्तों। या आपका पेन ड्राइव में था, या आपको मेमोरी कार्ड में था, या आपके कंप्यूटर के फोल्डर में था, कहीं भी आपके पास कोई डाटा है उसको हो गया आपका डिलीट या फॉर्मेट हो गया, तो उसको आप जल्दी से रिकवरी कर सकते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर का मैं नाम बताता हूँ और उसको कैसे रिकवरी करेंगे दोस्तों, उसको भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर इसको सीख लेते हैं। तो मैं दोस्तों क्रोम पर खोल लिया हूँ और मैं यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है। ये वो ये सॉफ्टवेयर सर वंडर शेयर का एक सॉफ्टवेयर है, तो इसको आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। अगर आपके पास डाटा 100 MB से कम है तो इसको फ्री में रिकवर कर सकते हैं दोस्तों। अगर 100 MB से ज़्यादा है तो आपको पेड वर्जन यानी कि आपको परचेज करना पड़ेगा। तो चलिए इसके नीचे हम कुछ देखते हैं। देखिए, अगर आपको डिलीट फाइल रिकवरिंग है, SD कार्ड रिकवरी, आपको हार्ड डिस्क वाला, फोटो रिकवरी, किसी प्रकार से आपको पास यहाँ पर आइए, डॉक्यूमेंट, फोटो, वीडियोज, ऑडियो, अदर फाइल इसमें बहुत सारे हैं। देख लीजिए इतना सारे फाइल है में, तो किसी प्रकार का फाइल है आप इसको रिकवरिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये आपको सॉफ्टवेयर है। तो चलिए इसको पहले मैं डाउनलोड करता हूँ। तो मेरे पास विंडोज़ के लिए तो मैं या फ्री डाउनलोड पर मैंने क्लिक करता हूँ। इस सॉफ्टवेयर के पहले हम लोग डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इसको हम लोग रिकवरी करेंगे। तो यहाँ पर इसे आपको क्या करना है, एक साइनअप करने के लिए कर रहे हैं, साइनअप हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर क्लिक किए और यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो रहा है, देखिए दोस्तों। अगर आपके पास 100 MB से कम है तो आपको बिना आपको परचेज किए रिकवरिंग कर सकते हैं। अगर 100 MB से डाटा ज़्यादा है तो आपको पेड का वर्जन करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए, इसको डाउनलोड हो रहा है। और दोस्तों, इसका मैं लिंक डालूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट आपको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टॉल इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, 72% हो गया है। थोड़ा सा मेरा नेट स्लो है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलिए, इंस्टॉल हो गया, इसको स्टार्ट नाउ पर क्लिक करते हैं दोस्तों। जैसे स्टार्ट नाउ पर मैंने क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो रहा है। देखिए, इसका वर्जन यहाँ पर आपको शो कर रहा है, वर्जन है 9.02। अब देखिए इसका, अब आपको बस कहाँ से आपको रिकवरिंग करना, कहाँ से आपको फाइल डिलीट हुआ है, या कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर के बाहर, जो भी आप हार्ड डिस्क यहाँ पर लगाइएगा, जैसे पेन ड्राइव लगाएगा तो यहाँ पे आपको शो कर देगा।
ठीक है दोस्तों, या मैंने डी में हुआ है डिलीट, या आपको एफ में हुआ है, या आपको किस में हुआ है, किससे आपको रिकवरिंग करना चाहते हैं, या आपको रिसाइकल बिन से हुआ है, डेस्कटॉप पर कोई डाटा था, या आपको सेलेक्ट फोल्डर कोई फोल्डर या डायरेक्ट सेलेक्ट फोल्डर को भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी मैं एग्जांपल में अभी खोलता हूँ, जैसे जी मेरे पास फाइल है जी, इसमें आपको इसमें एक डाटा मैंने रखा था, मैंने कर दिया हूँ डिलीट, तो यहाँ पर नहीं जी में, ठीक है दोस्तों। तो आप यहाँ मैंने जी पर मैंने क्लिक किया हूँ, देखिए जी पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर स्टार्ट पर जैसे मैंने क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए स्कैनिंग हो रहा है। जैसे मैं स्कैनिंग हो जाता है तो देखिए इसमें सब टोटल यहाँ पर शो कर रहा है, स्कैनिंग कर रहा है जी को, ठीक है दोस्तों। तो जी को स्कैनिंग कर रहा है, अब इतना स्कैनिंग हुआ है देखिए। पूरा यहाँ पर शो कर देगा आपको, टोटल आपको डाटा यहाँ पर आपको शो कर देगा, यहाँ पर टोटल यहाँ पर कंप्लीट होगा। बीच में भी आप रोक सकते हैं, देखिए आपको जी में कितना सारे फोल्डर था, अभी आपको मैं जी खोल के दिखलाऊंगा तो देखिए जी में कुछ नहीं, क्योंकि सब कुछ को मैंने डिलीट कर दिया था। ये बहुत दिन का ही फाइल है, बहुत दिन का ही फाइल है, बहुत दिन पहले का ही है, आज का ये नहीं है। जब से मैं यूज़ करता हूँ तभी से इसको मैंने रखा हूँ। बहुत ये आपको आप चाहते हैं कि इसमें से अगर आपको कोई नज़र आ जाए तो आप इसको रोक भी सकते हैं। यहाँ तक आपको आ जाता है, ठीक है। ये सब देखिए हाईलाइट पर जो आप जानते हैं कि मैं मिक्सिंग उक्सिंग करता हूँ, तो मैं मिक्सिंग में डाटा वगैरह मैं रखता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये सब फाइल इसमें इस कंप्यूटर में था, ठीक है। अभी 50% में इसको किया है, अब यहाँ तक आएगा। अगर आपको इसमें फाइल आपको नज़र आ गया तो आप डायरेक्ट उसको रोक भी सकते हैं, रोक कर भी आप उसको रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैंने मैंने सबसे पहले इसको स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप किया, और मैं स्टॉप करने के बाद मैं जैसे मैं इस न्यू फोल्डर को मैंने रिकवरिंग करना चाहता हूँ, ठीक है न्यू फोल्डर को, तो या फिर रिसाइकल बिन को दो करना चाहते हो, रिकवर पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको रिकवर पर क्लिक करना है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि डाटा आपको 100 MB से ज़्यादा है तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते हैं, तो मैं जो 100 MB से कम होगा उसी को मैंने चाहता हूँ कि रिकवर करूँ, तो मैंने इसको एक वर्ड का फाइल है, ठीक है दोस्तों, वर्ड का फाइल है, तो इसको मैं रिकवर करता हूँ, ठीक है। ये अब कह रहा है कि आप कहाँ रिकवरिंग करके रखना चाहते हैं, किस में, तो जीप को मैं क्लिक किया, जीप को मैंने जीप को क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू फोल्डर को मैंने बनाता हूँ, न्यू फोल्डर मैंने बना के इस पर नाम दे देता हूँ, आर नाम दे दिया, रिकवर पर क्लिक करके इसको सेव पर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पड़ी, उसके बाद देखिए रिकवरिंग हो गया जी के नाम से। देखिए ये आपको एक आपको एक्सेल का फाइल वर्ड का फाइल था, तो देखिए एमएस वर्ड का ही फाइल था, तो यहाँ पर देखिए रिकवरिंग मैंने कर लिया। तो इस तरह से आप रिकवरिंग कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कोई नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है दोस्तों। तो बैक में जाता हूँ एग्जिस्ट, फिर यहाँ पर यार अब यहाँ पर आने के बाद मैं आपको ये जो क्या था जी वाला ड्राइव में था, बहुत सारा वीडियो का फाइल था मेरा, आप डेस्कटॉप पर या आप सेलेक्ट फोल्डर पर भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर करके भी रिमूव कर सकते हैं, तो बहुत ईजी है और डायरेक्ट आप रिकवरी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।